ये पहली बात है, अक्टूबर 2nd को ओह माय गॉड तो बिल्कुल नहीं आ रही। ये नहीं होता ऐसे अगर पैंडेमिक नहीं आया होता। मेरी करीबन 4 फिल्में जो है वो रेडी है। ये फिल्म हमेशा से डिजाइन थी टू कम स्ट्रेट टू नेट, कि कौन सा OTT है, कौन सा थिएटर है, वो ये पर्टिकुलर जॉनर, ये पर्टिकुलर कॉन्टेंट हमने फ्रॉम द वर्ड गो OTT के लिए प्लान किया। अक्टूबर में शायद ओ माई गॉड 2 भी आ रही है, तो मतलब और आपकी फिल्में लगातार आती रहे, हर महीने आते रहे, हम सब चाहते हैं, लेकिन एक गैप कितना मतलब आइडियल होता है कि एक ये पहली बात है, अक्टूबर 2nd को ओ माई गॉड तो बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, ये तो मतलब आपके सूत्रों गलत बताया आपके सूत्रों ने। ओके, तो और कुछ बस इतना ही है ना? नहीं मतलब एक एक्टर की फिल्मों का गैप कितना होना चाहिए एक सालों में? मतलब देखिए बात ऐसी है कि पैंडेमिक के टाइम पे काफी फिल्में रिलीज नहीं हुई, बहुत लोगों की फिल्में रिलीज नहीं हुई क्योंकि थिएटर्स बंद थे, सब कुछ चीजें बंद थी और काफी फिल्में जमा हो गई। ये नहीं होता ऐसे अगर पैंडेमिक नहीं आया होता। हम काम करते रहे, फिल्में जमा होती रही, तो अब ऐसा है कि हाँ मेरी करीबन 4 फिल्में जो है वो रेडी है, लेकिन अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो उसके बीच में हमेशा 2 या 3 या 4 महीने का गैप जरूर होता। मेरा सवाल रंजीत जी से एंड जैकी एंड दीपशिखा जी से, तीनों से, कि इस फिल्म मतलब लोग सुनते रहे कि ये साउथ की जो रत्तासन है तो वो उसकी अडेप्टेशन है या उस पर बेस्ड है, फिर इसका टाइटल शुरू में शायद मिशन सिंड्रेला था एंड कसौली वॉज क्रिएटेड इन इंग्लैंड, सो दीज 3 क्वेश्चंस आई हैव। Which question is for which? First, Ranjit ji, agar bata sake, matlab pehla to. So it's inspired from Ratsasan, that's true. Secondly, ye film kabhi Mission Cinderella naam tha nahi. It was always Katputli. So wo, I think it just came out, I don't know from where. It wasn't a working. Came out from Mission Mangal. Mission Mangal. Because that was also what... Or because we did a film earlier called Bell Bottom, which was a mission base, so maybe from there. And we shot in UK, lot of the film we shot in UK as well. We shot here in Mussoorie also. So yeah. कौन सी फिल्म मतलब theatrical के लिए है और ये कठपुतली आप लोग OTT पे आ रहे हैं, तो वो decision कैसे आप लोग मतलब decide कर रहे हैं? देखिए क्या है, ये फिल्म हमेशा से डिज़ाइन थी टू कम स्ट्रेट टू नेट, जो मैंने पहले सवाल में भी जवाब दिया कि वो इंसेप्शन स्टेज पे डिसाइड कर लिया था हमने कि आई फील दिस इज़ अ ग्रेट जॉनर, लाइक गौरव सेड, वी वांट टू यू नो रियली पुट दिस आउट इन द बेस्ट वे एंड नो अदर बेटर प्लेटफॉर्म देन डिज्नी टू डू दिस, सो वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। And yes, I'm also a huge fan of Russo Brothers. If you must have seen, wo Extraction bhi aisa hua tha. So that's where it was always planned for OTT. So you know, wo sawal ki kaun sa OTT hai, kaun sa theater hai, wo ye particular genre, ye particular content humne from the word go OTT ke liye plan kiya tha.